मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर में एकमात्र सूत स्पिनिंग मिल जो कि सरकार की नीतियों के चलते बंद हो गई है, लेकिन उसका खामियाजा मिल के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही मिल के कई कर्मचारी अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के बहादुरपुर में एकमात्र सूत स्पिनिंग मिल जिसमें करीब 1250 कर्मचारी कार्यरत थे, वहीं जब 1998 में अचानक मिल बंद हुई तो कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया था कि कर्मचारियों को पीएफ और अन्य भत्ते के साथ साथ राशि लौटाई जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की बुढ़ापे के चलते मौत हो गई तो कुछ ने मौत को गले लगा लिया। वहीं बचे हुए कर्मचारी अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने कब्जे में लेने के बाद ये मिल चोरी हो गई है। वहीं जब इस संबंध में तहसीलदार रामलाल पगार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसी विभाग की है, जिसे मौका मुआयना कर और फाइल को फिर से एक बार खोल कर देखने के लिए आदेशित किया जाएगा। इसके बाद ही कुछ ना कुछ कर्मचारियों के हित में होगा। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। बहादुरपुर सूत मिल का मामला है और हमारी मिल चोरी हो गई और चोरी भी ढंग से हुई है कि जिस परिसमापक को हमने उसके हवाले सौंपी थी वो उसको बचा नहीं पाया, अर्थात गवर्नमेंट उसको बचा नहीं पाई और आज 1250 परिवार परेशान है। कई बच्चों की एजुकेशन रुक चुकी है और कई लोग की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम आज 30 साल से लड़ रहे हैं लेकिन हमें अपना पैसा नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है। ग्राम पंचायत बहादुरपुर की सुतमेल को लेकर कुछ श्रमिक लोग न्यायालय में आए थे, तहसील न्यायालय में। उनके द्वारा बताया गया है कि उनको ग्रेच्युटी और जो वेतन है और उनको जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिल पा रही है, उसी को लेकर वो अपनी समस्या लेकर आए थे। जेएमडीएसए साहब से भी बात करी है, अब मैं एक बार जेएमडीएसए साहब जो है उनसे एक बार कोऑर्डिनेट करके उस पूरी फाइल का अवलोकन करता हूँ, फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी करेंगे। चोरी का आरोप लगा रहे सर, वो क्या है? हाँ, अभी वो जेएमडीएसए साहब से पूरी फाइल चेक कर लेता हूँ मैं। उनका कहना है कि ये फाइल 1964 मतलब ये जो मतलब सूत मिल थी 64 में बनी है और 1969 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और 98 तक चली, फिर 98 से दो सन 2000 तक उनको कोई भी वेतन नहीं मिला था और उन्होंने ऐसे ही काम करा था, फिर 2000 से सन 2000 से वो मिल बंद है। अब चूंकि मैंने इस प्रकरण को पूरा देखा नहीं है, अब उनका पहले एक बार अवलोकन कर लेता हूँ जेएमडीएसए साहब के साथ, फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी समन्वय बना के काम करें। कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल जो बुरहानपुर में बहादुरपुर के अंदर थी, ये मिल 1998 से बंद हो गई और 2000 तक इसमें कुछ कर्मचारी काम करते रहते थे। 2000 में ये मिल परिसमापक को सौंपा गया। परिसमापक जो थे कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार श्री वास्केल साहब, उनके पजेशन में ये मिल की पूरी संपत्ति दी गई थी और उसके बाद में 1998 से 2000 तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उनकी ले ऑफ के पैसे नहीं मिले, उनका पैसा मिला नहीं और उन्होंने जो 1969 से 2011-69 से 2000 तक जो वहाँ नौकरी करी थी उसकी जो ग्रेजुएटी वगैरह इनको मिलना थी वो मिली नहीं और 1995 से इनका पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा ये गवर्नमेंट के पास जमा नहीं हुआ, जिस कारण इनकी पेंशन भी कम बनी और आज भी किसी भी कर्मचारी को 1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती है।